नेक्स्ट बिजनेस इज ऐसे वाला है, ऐसे वाला कि जिसको सबको सुनना है कि यूट्यूब में करियर कैसे हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड। बाय सारिका। सारिका किशोर, हमने पिछले हफ्ते देख लिया था वर्क फ्रॉम होम विदाउट इन्वेस्टमेंट का वीडियो, वो पार्ट वन था, और आज हम देखने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम विथ इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो, वो भी होगा पार्ट वन। दोनों पार्ट वन इसलिए क्योंकि जब मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज और भी कलेक्ट हो जाएंगे तो उसका भी पार्ट टू अगेन आएगा। ओके, इसलिए वो भी पार्ट वन है, ये पार्ट वन है, तो दोनों में जैसे जैसे आइडियाज मुझे और मिलते जाएंगे वैसे वैसे उसमें मैं एड ऑन करती जाऊंगी पार्ट। आप में से कोई अगर ऐसा है कि उन्होंने अभी तक पिछले हफ्ते जो मैंने अपलोड किया था विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो कि हम घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या काम कर सकते हैं, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी या इधर ऊपर किधर तो आई बटन पे भी आ रही होगी। ओके, तो आप वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला सजेशन है मेरी तरफ से कि हम घर बैठे, देखो घर बैठे ही क्यों मैं फोकस रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको घर से बाहर जाना अलाउड ही नहीं होता। सिचुएशंस होती है, सभी की होती है, कुछ ना कुछ तो होती ही है। अभी जैसे मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन मैं स्प्रू को ना डेकेयर में रख सकती हूँ, मतलब मैं रखना नहीं चाहती, इसलिए मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया और फिर मैं अब घर पे ही हूँ, स्प्रू की केयर भी लेती हूँ एंड साइमल्टेनियसली मुझे विथ इन्वेस्टमेंट वाले विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले जो भी बिजनेसेस मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। ओके, तो इसी से मुझे आइडिया आई कि मेरी तरह और भी लेडीज होंगी जिन्हें करने की इच्छा है, जिन्हें करना है, खुद के पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। ओके, इसलिए ये वीडियो आज का मैं बना रही हूँ। सो महीने के आप कितने कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम घर बैठे भी कुछ अपने लिए कर, ये मैटर करता है। ओके, सो आज के वीडियो का फर्स्ट सजेशन है मेरी तरफ से, एकदम सिंपल वाला सजेशन है। आप अगर आपको मेकअप आता है, अगर आपको हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे से आती है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था वैसी वाली हेयर स्टाइल्स नहीं, वो तो सिंपल हेयर स्टाइल की बात करी थी मैं बोल रही हूँ प्रोफेशनल हेयर स्टाइल। अगर आपको ऐसी मस्त प्रोफेशनल हेयर स्टाइल्स आती है, अगर आपको मेकअप अच्छा आता है, तो आपको पार्लर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्राइडल मेकअप के ऑर्डर ले सकते हो, या फिर आप अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ब्राइड पे मेकअप नहीं कर पाऊंगी, क्या पता अगर फंस गया, होता है स्टार्टिंग में हेजिटेशन होता है। ओके, तो आप मतलब ऐसे होते हैं ना जो ब्राइड्समेड होते हैं या जो दुल्हन की आंटियाँ होती हैं, भाभियाँ होती हैं, मम्मी होती है, दूल्हे की भाभी मम्मी एंड ऑल, तो मंडप में ऐसी इतनी सारी औरतें होती हैं जिन्हें सजने का बहुत शौक होता है। ओके, आप उनके भी मेकअप कर सकते हो। ओके, इसलिए भी पब्लिसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप फेसबुक पर एक्टिव रहिए, आप व्हाट्सएप पर एक्टिव रहिए, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहिए, ट्विटर, जो जो है ना सोशल मीडिया के ऑप्शंस, वो सारे आप मतलब यूज़ ही कर लो। तो वहाँ पे आप जितने आपके मेकअप के फोटोज़ डालते रहोगे, आपके खुद के करो स्टार्टिंग में जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं आती तब तक, या अगर आपने किसी के करा हुआ है मेकअप तो उनके डालिए। अभी जैसे 14 जान आने वाला है यानी कि मकर संक्रांति, तो हर स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, और तब हर औरतें अच्छा खासा सजना प्रेफर करती है। तो आप अभी से काम पे लग जाइए, अभी से आपकी एडवर्टाइज बनाइए कि जिनके घर पे ऐसे हल्दी कुंकू का वगैरह फंक्शन होगा तो वो लेडीज भी आपसे मेकअप करने के लिए खुद से आपके घर पे भी आ सकती है या आप उनके घर पे जा सकते हो, वॉट एवर इट में भी। ओके, तो चार्जेस स्टार्टिंग में थोड़े कम लीजिए, मार्केट में रिसर्च कीजिए आपके एरिया में क्या चार्जेस चल रहे, तो उनसे 100-200 भी आप कम लोगे ना तो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा स्टार्टिंग में। ओके, सो मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको उसमें कितना प्रोफेशनलिज्म देना है। अगर आप ब्राइड्स के मेकअप कर रहे हो तो आपको ज्वेलरी वगैरह प्रोवाइड करनी होगी, रेंट पे होता है वो, रेंट पे। ओके, सो इंक्लूडिंग कर सकते हो या ज्वेलरी का अलग से ले सकते हो, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो कम्प्लीटली आप पे है। ओके, लेकिन आई थिंक मोर देन 5,000 तो उसमें इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगी,
क्योंकि हेयर एक्सेसरीज आएगी, मेकअप प्रोडक्ट्स आएंगे, मेकअप प्रोडक्ट्स तो कितने महंगे होते हैं। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे ब्रांड के लोगे ना, अच्छे ब्रांड के, तो जिससे कि सामने वाले के कोई रैशेस ना आए, सामने वाले का मेकअप थोड़ा ज़्यादा देर टिके। अभी कैसे होता है, ये बहुत टास्क होता है कि अभी हम वीडियो पे एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये मेकअप जो दिखने में दिखता है ये अलग दिखता है, लेकिन जब यही मेकअप आप सामने से देखोगे तब वो ऐसे पाउडर पाउडर दिखता है, तो वो वैसा ना लगे इसलिए उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उस तरह के। ओके, तो आप वो वैसे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करोगे तो इसका इन्वेस्टमेंट, सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट का ही इन्वेस्टमेंट अप टू 15,000 वगैरह जाएगा आपका। ओके, सो उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप रेडी हो तो आप बेझिझक बिजनेस में आ सकते हो, इसका इनकम बहुत अच्छा है। ट्रस्ट, सजेशन है मेरी तरफ से, अगर आप मेरी तरह ही ऐसी हो कि जैसे बात तो नहीं होते ना, कि जैसे बड़बड़ सिर्फ कि होता है कि एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है औरतों से, ऐसे ही बातें करना अच्छा लगता है, चुगली वगैरह नहीं लेकिन बातें करना अच्छा लगता है, तो आप पार्लर ओपन कर सकते हो अपना, क्योंकि घर पे लेडीज आती है जाती है, अच्छा भी लगता है ना, घर का माहौल भी खिलखिला रहता है, और थोड़ा सा किसी के साथ बात करके ना, मेरा तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बातें करना, मतलब ट्रस्ट मी, मैं ऐसे शांत चुपचाप नहीं बैठ सकती। ओके, तो अगर आप भी वैसे हो तो आप पार्लर भी आराम से ओपन कर सकते हो घर पे ही। अभी फिलहाल तो ये इस कोरोना के माहौल में शॉप लेके रेंट पे जाओ, लॉकडाउन कब पड़ेगा किसको कोई आइडिया ही नहीं है, तो वो करने से बेहतर आप घर पे ही स्टार्ट करो। अगर आपको आता है वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर कट अच्छे से आता है, तो आप घर पे भी ये सब ले सकते हो। आपके टाइमिंग्स क्या रखने हैं उसका बोर्ड आप आपके दरवाजे पे भी लगा दो, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पे आपकी एडवर्टाइज डालोगे उस पे साइमल्टेनियसली आपके टाइमिंग्स भी डालो, तो आपको आपकी मतलब जो हाउस लाइफ होती है, जो घर के काम करना है या फिर होते हैं ना रूटीन होता है, तो वो आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो इस बिजनेस में भी फुल ऑन इनकम है। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, अगर आपने चेयर वगैरह परचेस कर ली तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अदरवाइज आप एडजस्ट कर सकते हो विदाउट चेयर भी, क्योंकि आजकल लेडीज, मैं खुद ऐसे ही जाती हूँ कि जहाँ पे मतलब कम ही कस्टमर हो तो अच्छा है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर सबको है, तो इन्वेस्टमेंट के झमेले में मत लपेटो अपने आप को, आप स्टार्ट तो कीजिए। वैक्सेटर, वैक्स या वैक्स स्ट्रिप्स या फिर हेयर कटिंग की सीजर्स एंड ऑल, वो तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपको मस्ट है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। सो मेरे हिसाब से मैं अंदाजन बोल रही हूँ अप टू 5,000 में भी ये हो जाएगा। अगर आपको परफेक्ट वीडियो चाहिए कि मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, या पार्लर अगर आपको आपका घर पे ओपन करना है तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट, अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका डिटेल में वीडियो भी दे दूंगी रिसर्च करके। ओके, सो ये हो गया पार्लर के सजेशन। ऐसा है कि आपको खुद को घूमना अच्छा लगता है, ओके, तो आप और आपकी ड्राइविंग भी अच्छी, मतलब आप टू व्हीलर अच्छे से चला रहते हो, यानी कि वो जो होती है ना मोपेड, स्कूटी होगी, एक्टिवा होगी, वो अगर चलाना आपको अच्छा लगता है तो गो अहेड, आप उसके ड्राइविंग क्लासेस भी ले सकते हो। ओके, सो उसकी इन्वेस्टमेंट तो वो पेट्रोल वगैरह आ ही गई, लेकिन वो फीस में हो जाता है वसूल, तो कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, वो सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, दिन के कितने घंटे लेने हैं वो भी आप पे ही है, सो ये एकदम हैपनिंग है, और मैंने देखा है, मैं जहाँ रहती हूँ मेरी सिटी में ऐसी मेरी नोन में ऐसी लेडीज है कि जो ऐसे क्लासेस ले रही है, इसलिए मैंने ये सजेशन डाला है, ये मैं नहीं ले रही, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लेडीज को जो लेती है टू व्हीलर की क्लासेस। ओके, इसलिए ये भी हो सकता है कि सर, नेक्स्ट सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आपको कुछ सेलिंग में इंटरेस्ट है तो बैंड, रबर बैंड, हेयर क्लिप्स या हेयर बैंड या फिर ऐसे ज्वेलरी, इयर रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है लेडीज़ के, तो इतने सारे ज्वेलरी में अगर आप जाओगे तो इतने सारे लेडीज़ के आइटम्स होते हैं जो आप 100% सेल कर सकते हो, घर पे आपको लाना पड़ेगा वो सब कुछ, है ना, फिर आप सेल कर सकते हो, आपके घर पे लेडीज़ आएंगी जाएंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे तो। ओके, तो इसमें 4,000 या 5,000 तक इन्वेस्टमेंट बहुत हो गई, बहुत हो गई। आपको क्या करना है, आपको हैंडबैग सेल करनी है, आपको किचन के भी आइटम्स होते हैं वो सेल करने, आपको क्या सेल करना है पहले वो डिसाइड करो। अगर आप ये भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे स्टार्टिंग में ही, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपके एरिया की लेडीज को एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना, तो आपको क्या सेल करना है पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। ओके, देन
अगर ऐसी कोई लेडीज होंगी आपके एरिया में जो ऐसे कर रही है, घर से सेल कर रही है, तो आप प्लीज एक बार उनके घर पे जाके देखें उन्होंने क्या क्या सामान रखा है। सो मेरी तरफ से तो ये सजेशन रहेगा, कॉम्पिटिशन में जाना है सेम वही मत रखो, कुछ अलग रखो। देखो उनका भी चलना चाहिए, आपका भी चलना चाहिए। किसी और का बिजनेस बंद करके अगर आप आपका बिजनेस खोलोगे तो आपके भी तो आगे कोई और आएगा कि आपका बिजनेस बंद करके उनका खोलेगा। तो मेरी तो ये नियत नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है अगर किसी का चल रहा है तो उनका चलने दो। जस्ट जाके इसे मालूम करके लेना है कि ये लोग क्या बेच रहे हैं, इनके रेंज कितनी रेंज जाती है, यहाँ पे 500 तक जाता है, 1000 तक जाता है, तो उससे आइडिया आ ही जाती है आपको जो बेचना है प्रोडक्ट, फिर आपको उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको डिसाइड करना होगा। ओके, और फिर स्टार्टिंग में कम से कम लाइए, कम से कम डजन डजन ही परचेस कीजिए। ओके, तो फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर आपको ज्वेलरी के अलावा कपड़े भी रखने आप रखो, लेकिन धीरे धीरे रखिए। ओके, सो ये भी बहुत मस्त चलता है, मैंने खुद ने किया है ये। ओके, मेरी शॉप थी इसलिए ये आइडिया मुझे है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करी। ये घर पे भी चलता है ये बिजनेस। मेरी जब शॉप थी तब मैं घर से भी सेल करती थी और शॉप से भी सेल करती थी, अब मैंने बंद किया है कोरोना के डर से, नहीं तो मेरा अब तक ये चल ही रहा था कि घर पे मैं सेल कर ही रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं वापस से वो स्टार्ट कर ही दूंगी, क्योंकि अभी कोरोना से कितना ही डरेंगे, है ना। इसलिए अभी इनकम भी तो जरूरी है, इनकम भी तो बंद हो गया मेरा। ओके, नेक्स्ट बिजनेस है, अगर आपको रंगोली अच्छे से आती है, आपको मेहंदी अच्छे से आती है, तो आप उसके भी ऑर्डर्स ले सकते हो, उसके क्लासेस भी ले सकते हो घर पे। ओके, तो अभी आप बोलेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट में तो आता नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐसे आता है कि अगर आप आपकी तरफ से रंगोली प्रोवाइड करेंगे, कलर्स प्रोवाइड करेंगे, कलर से दो या तीन ही रखिए आप। ओके, तो उसमें शेड करके आप दिखा सकते हो ना, तो उससे क्या होता है, भले ही वो इन्वेस्टमेंट के पैसे आप फीस के थ्रू कट ऑन कर करके आप मतलब वसूल होने ही वाले हैं आपके पैसे। अगर आप ये चीजें आपकी तरफ से प्रोवाइड करेंगे तो सामने वाले का देखने का नजरिया भी बदल जाता है। एक तो क्या होता है, साथ में लाने का ले जाने का उनका झंझट खत्म हो जाता है। ओके, उनको सिर्फ आना है एम्प्टी हैंडेड, आपके यहाँ पे आके सीख के चले जाना है। ओके, एंड रही बात मेहंदी क्लासेस की, तो सब आपको प्रोवाइड करना है मेहंदी, मेहंदी के कोन, नोटबुक्स, सो इसकी भी फीस उसमें आ जाती है। जिनको विद ये सामान सीखना है उनकी फीस अलग रखिए, जिनको विदाउट ये सामान आपसे परचेस नहीं करना है तो उसकी फीस अलग रखिए आप। ओके, दोनों आप आपके लिए ऑप्शन ओपन रखिए, तो कस्टमर जो आएंगे मतलब जो स्टूडेंट्स जो आएंगे तो उनका भी देखने का नजरिया बदल जाता है। कुछ कुछ औरतों को मैंने देखा है, उनका क्या होता है, हम मेहंदी क्लास की फीस भी देते हैं और हमें खुद का इतना सामान भी लेना पड़ता है, तो ये कहाँ का हो गया सस्ता वाला क्लास, ये तो बहुत महंगा जाता है हमें। ओके, इसलिए अगर आपसे आपकी तरफ से देंगे तो ये कस्टमर पे मतलब बहुत इम्प्रेशन आता है इस चीज़ का, लेकिन आपको ये मतलब उनको समझा के देना होगा कि ये, और जितने का जो है उतने ही पैसे लीजिए। आप अगर एक्स्ट्रा लेने लग गए कि नोटबुक पे लिखा तो 5 रुपया आपने लिया 10 रुपया, तो ये तो फिर गलत हो गया, है ना। तो इसलिए अगर आप अच्छे से करेंगे बिजनेस लॉयल्टी के साथ में, ग्रोथ बहुत अच्छी। नेक्स्ट बिजनेस है मेरी तरफ से, आइडिया है कुकिंग क्लासेस। सो कुकिंग क्लासेस में इन्वेस्टमेंट क्या आई, तो वही से कि आपको सारा सामान आपका यूज करना है, सब कुछ आपकी तरफ से ही होगा, और फिर उनको सिर्फ टेस्ट करने के लिए वगैरह देना ही होता है। ओके, तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट। कुकिंग क्लासेस बहुत हिट है, YouTube पे जितने कुकिंग शोज जितने चलते हैं उतनी ही कुकिंग क्लासेस भी चलती हैं आजकल। मतलब सारा सिंपली सिंपल रोटी कैसे बनानी है, रोटी का आटा कैसे गूंदना है, सब सीखने के लिए आती है। लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लड़के या लड़कियां अब्रॉड भी शिफ्ट हो रहे हैं एजुकेशन। और मेरे खुद के रिलेशन में भी कुछ लोग गए तो उन्होंने पहले यहाँ पे क्लासेस किए हैं और फिर वो गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इट्स करेक्ट ना, वहाँ पे जाके आप कुक अफोर्ड तो नहीं कर सकते, आप जा रहे हो एजुकेशन के लिए। ओके, तो ये क्लासेस भी बहुत अच्छे चलते हैं। इसमें आपको क्या सिखाना है, सिर्फ स्वीट सिखाना है या सिर्फ सब्जियां सिखानी है, ये आपके ऊपर है। मैं आपको सजेशन दूंगी कि सब ओपन रखो, आप स्वीट भी सिखाइए, सब्जियां भी सिखाइए, वीक डेज वाइज आप डिवाइड कर सकते हो, या वंस इन अ वीक आप डिजर्ट सिखाओ, बहुत चलेंगे आपकी क्लासेस। पता है, आप मार्केट में सर्च करके उसकी फीस वगैरह का क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। बहुत मस्त है
जो कि है, अगर आपको अच्छा वाला डांस आता है और आप फिट हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं। जैसे डांस मुझे तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा बाहर है तो मैं नहीं ले सकती है। आप ले सकते हो, जुम्बा क्लासेस ले सकते हो, आप कथक के क्लासेस ले सकते हो, या कोई और डांस फॉर्म, बॉलीवुड लीजिए, सालसा वगैरह। तो आई डोंट थिंक कि घर पे बैठने वाले किसी को आता है, अगर आपको आता होगा तो रियली गो फॉर इट, तो आप उसके भी क्लासेस ले सकते हो। ओके, तो ये घर पे ही लेना है, वंस इन अ वीक भी होता है या एवरीडे भी हो सकता है, ये आपके ऊपर होता है। ओके, ये क्लासेस ऑनलाइन भी हो सकते हैं या ये क्लासेस ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ओके, सो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या आई, इसमें आई इन्वेस्टमेंट मिरर, बड़ा मिरर आपको लगाना पड़ेगा। एंड देन क्योंकि मिरर के सिवा तो नहीं होता ना, जुम्बा भी तो मिरर में देख के ही हम करते हैं, सामने कोई कर रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं वो देखना होता है सबको, इसलिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मिरर आ गया। देन आपको वेइंग मशीन लेनी पड़ेगी कंपल्सरी, वो आ गई। एक टेप वगैरह लेना पड़ेगा कि कितने इंच आपका पेट घटा तो उसका भी तो वो रहेगा ना सारा डिटेलिंग, तो वो आ गया। सो इसमें बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बिजनेस इज ऐसे वाला है, ऐसे वाला कि जिसको सबको सुनना है कि YouTube में करियर कैसे हो सकता है, YouTube में हम क्या करें और YouTube का चैनल हम स्टार्ट करें। ओके, सो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है, आप आपका YouTube का चैनल ओपन कर सकते हो। ओके, तो अगर आप बोलोगे तो इसमें कहाँ से आ गई इन्वेस्टमेंट, YouTube के चैनल पे सिर्फ बैठ के तो बोलना है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है YouTube चैनल के पीछे। ओके, जिनका चैनल आपको दिखने में लगता होगा कि छोटा चैनल है, क्या मेरे क्या वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही है, तो समझ जाओ उनके पास उतना इन्वेस्ट करने के लिए बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो बेचारे ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए डे बाय डे। ओके, यूट्यूब के चैनल पे हम कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं, तो आप मेरे ही चैनल के टॉपिक्स आप देख लो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी एडॉप्शन की सीरीज, मिल जाएगी एलकेजी की सीरीज, नर्सरी की सीरीज। ओके, इस जून से आएगी सीनियर केजी की सीरीज। देन आपको मिल जाएगी मेकअप वीडियोस मैंने डाले हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज मैंने डाले हैं, उसके अलावा फनी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ मेरी बेटी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। ओके, सो ऐसे आपको अगर कुछ चैनल क्रिएट करना है तो आपको उसमें कंटेंट देने पड़ेंगे। ओके, अच्छा कंटेंट अगर होगा तो देखने वालों को भी तो मजा आता है ना, इसलिए अगर आप YouTube का चैनल ओपन कर रहे हो तो प्लीज गो फॉर इट, लेकिन कंटेंट वगैरह अच्छे से सोच के डालिए। ओके, लेकिन अगर आपको YouTube के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है बिगिनर्स के लिए, क्या क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो मैं आपको वो डिटेल वीडियो में बोल दूंगी। अभी फिलहाल आपको जस्ट ओवरऑल बोलती हूँ, माइक परचेस करना पड़ता है, ट्राइपॉड परचेस करना पड़ता है, सेल्फी स्टिक आ गई, और भी बहुत सारी चीजें होती है, रिंग लाइट आ गई। ओके, तो ये लगता ही लगता है। ओके, मेरी अभी वॉइस क्वालिटी इतने अच्छे से आ रही है, इसलिए मुझे माइक की अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसे मतलब कम करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम हो मेरी तरफ से। ओके, इसलिए मेरे इसमें थोड़ा सा एडजस्टेड रहता है। ओके, सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डिटेल नॉलेज देने। एंड इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशंस होंगे तो आप प्लीज डालिए कमेंट बॉक्स में, देखिए किसी की तो हेल्प ही हो जाएगी ना आप ही के जैसे। एंड द सेम जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था, इसमें से आपको कौन सी आइडिया अच्छी लगी एंड आपने एक्चुअली उस पर काम किया, या आपने अभी तक तो काम स्टार्ट नहीं किया लेकिन आपको वो आइडिया अच्छी लगी तो आप वो किसी को सजेस्ट करोगे, तो वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल के बोलिएगा। ओके, सो ये था आज का वीडियो, आई होप मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देने की आपको कोशिश की है। सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट का छोड़ा तो और किसी बिजनेस में आई डोंट थिंक कि मोर देन 5000 की भी इन्वेस्टमेंट होगी। ओके, सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, एंड इसके वजह से आपकी कुछ तो हेल्प हुई होगी। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप उसको भी देख लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ये आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि हर वीक अलग अलग कंटेंट को लेके मैं आने की कोशिश करती हूँ एंड यूजफुल कंटेंट लाती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी लाया। ओके, एंड आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो हम फनी वीडियोज़ भी तो बनाते हैं आजकल। ओके, तो
प्लीज स्टे विद मी, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका. इतन चल दिलायो टिल देन बाय बाय.